अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED BTC तृतीय सेमेस्टर संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पेपर की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज के आज आप पार्ट टू आज देखने वाले। इससे पहले दोस्तों आपने अगर पार्ट वन ना देखा हो, पार्ट वन और पार्ट थ्री, जी हाँ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त होने के बाद पार्ट वन और पार्ट थ्री जरूर देखिएगा। और आप लोग पेपर में 25 में से 25 अंक कैसे ला सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को आपको स्किप या छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों चलिए संस्कृत को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न को चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका कि वाणी के कितने रूप बताए गए हैं। तो दोस्तों वाणी के आपके चार रूप बताए गए हैं। पहला आपका परा, पश्यंती, मध्यमा और वैरवरी। ठीक है दोस्तों, वर्ण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो ये आपका दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। फिर दोस्तों आपका ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका अंतर होगा आपका कंठ। तो इसको ध्यान से आप लोग याद करते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका अंतर होगा मूर्धन्य। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? इसका अंतर होगा आपका तालव्य। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका अंतर है ओष्ठ। त थ द ध न से प्रारंभ शब्दों का उच्चारण स्थल क्या है दोस्तों? इसका अंतर होगा आपका दंतव्य। ठीक है ना, दंतव्य। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अशुद्ध उच्चारण का कोई एक कारण बताना होगा। माता पिता तथा परिवारजनों का अशिक्षित होना, परिवारजनों का। ठीक है ना दोस्तों। फिर अगला प्रश्न क्या है? संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो संधि के मुख्य रूप से आपके दोस्तों तीन भेद होते हैं। अगला प्रश्न है गुण संधि किसे कहते हैं? तो ह्रस्व और दीर्घ अ या आ के पश्चात यदि ई छोटा उ, ठीक है दोस्तों, री ल में कोई भी स्वर आता है तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाते हैं, तो उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? गुण संधि। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो जहां किसी व्यंजन का किसी बाद वाले व्यंजन वर्णों के साथ मेल होता है तथा परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जहां विसर्गों के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से कोई विकार होता है तथा विसर्ग संधि कहते हैं, तब दोस्तों क्या बोलते हैं लोग? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है समास कितने प्रकार के भेद होते हैं, मतलब समास के भेद कितने हैं? तो इसका आंसर होगा आपका 6। द्वंद्व समास क्या होता है दोस्तों, इसकी परिभाषा बतानी है। तो इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों का संबंध जोड़ने के लिए हम च का प्रयोग करते हैं दोस्तों, जैसे आपका पितरों, माता व पिता। ठीक है, च। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं दोस्तों? इसके द्वंद्व समास के आपके तीन भेद होते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका अंतर होगा जिसका पहला पद आपका संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको दोस्तों हो जाएगा जैसे आपका त्रिलोकी। फिर अगला प्रश्न है आपका समास का क्या अर्थ है? तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक समस्त सार्थक स्वतंत्र शब्द बने तो उसे हम समास कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या रहा? कर्मधारय समास किसे कहते हैं ये बताना है। तो जो सामासिक पद विशेषण विशेष व उपमा उपमेय से मिलकर बनते हैं वे कर्मधारय समास कहलाते हैं दोस्तों, जैसे नील कलम। फिर अगला प्रश्न रहा तत्पुरुष समास क्या है? तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां लगती है। इसका विग्रह विभक्ति के अनुसार ही किया जाता है, जैसे राजपुत्र। अगला प्रश्न दोस्तों रहा बहुव्रीहि समास क्या है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, जैसे दोस्तों दशानन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा? बहुव्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? तो बहुव्रीहि समास के आपके दो भेद होते हैं दोस्तों। न प्लस अका में कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें अयादि है। ठीक है ना, फिर अवनीसा में कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें आपकी दीर्घ संधि है। महेशा में कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें आपकी गुण संधि होती है। देवालिया में कौन सी संधि है? तो इसमें दोस्तों आपका दीर्घ संधि। वसुधैव में कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। पितृ किस विभक्ति एवं वचन का रूप होता है? तो दोस्तों ये आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फिर दोस्तों राजान का राजे, ठीक है दोस्तों, रूप में किस विभक्ति से बनता है? तो दोस्तों इसका अंतर होगा आपका चतुर्थी में। फिर नदी शब्द का नद्य रूप किस विभक्ति में बनता है? तो इसका अंतर होगा दोस्तों आपका पंचमी में। रमाडम रूप किस विभक्ति व वचन का है? तो दोस्तों ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। धैनु का विभक्ति और वचन क्या दोस्तों? इसका सप्तमी विभक्ति और एक वचन। गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो दोस्तों इसका अंतर होगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फिर दोस्तों हम बात करेंगे आपके पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप होगा दोस्तों पितु हो जाएगा। राज्ञ किस विभक्ति एवं वचन का रूप है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। भगवान किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर अगला प्रश्न दोस्तों आपका आता है कि क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे दोस्तों हम क्रिया कहते हैं।
धातु किसे कहते हैं दोस्तों, इसको बता रहे, तो क्रिया है जिन मूल शब्दों से प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें हम दोस्तों धातु कहते हैं। फिर भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा भवंतुआ। ठीक है दोस्तों। फिर अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन क्या होगा दोस्तों, तो भविष्यति हो जाएगा। गम धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन क्या होगा दोस्तों, इसका गच्छे में। देखिए दोस्तों इसका प्रॉपर आंसर आपको आपके लघु त्री जो वीडियो हमारी बनेगी इसके बाद पार्ट थ्री में, तो उसमें दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन के और भी विस्तृत रूप में आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ये तो आपके खाली एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसको इस तरह एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, पट धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप लिखना है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका पठे। पीताम्बरा में कौन सा समास है दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पितरों में कौन सा समास है दोस्तों, इसका आंसर होगा द्वंद्व समास। त्रिलोचना में कौन सा समास है, तो द्विगु समास। रामकृष्णों में कौन सा समास है दोस्तों, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है ना। राजपुरुषा में कौन सा समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। हरिहरों में कौन सा समास है, इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। नीलांबरा में कौन सा समास है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है आपका कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए संस्कृत व्याकरण में 6 कारक माने जाते हैं दोस्तों। देखिए कर्ता कर्म च करणे च संप्रदाने तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कार काड़ी षष्ठ। ठीक है दोस्तों। फिर हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो हिंदी में कारकों की संख्या आपकी 8 है। रामेण सह सीता वनम गतवती वाक्य में रामेण पद में कौन सी विभक्ति है दोस्तों, तो ये बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका तृतीय विभक्ति। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि दशरथ पुत्र वनम अगमत में दशरथ पद में कौन सी विभक्ति दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति। रामा अश्विन गच्छति रेखांकित पदों में कौन सा कारक एवं विभक्ति है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका करण कारक एवं तृतीय विभक्ति। अगला प्रश्न है गुरुवे नमः रेखांकित पद में कौन सा कारक एवं विभक्ति है, तो दोस्तों संप्रदान कारक एवं चतुर्थी विभक्ति है। अगला प्रश्न है श्री गणेशाय नमः रेखांकित पद में कौन सा कारक एवं विभक्ति है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक एवं चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न रहा नदीशु गंगा श्रेष्ठा रेखांकित पद में कौन सा कारक एवं विभक्ति है, तो इसका आंसर होगा अधिकरण कारक एवं सप्तमी विभक्ति है दोस्तों। ज्ञानम भारम क्रिया विनय श्लोक का क्या अर्थ है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उपयोग में न आने वाला ज्ञान भार के समान होता है। अगला प्रश्न क्या रहा विद्या धर्मेण शोभते श्लोक का क्या अर्थ है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विद्या धर्म से ही शोभा ठीक है ना देती है। करण कारक का चिन्ह क्या है, तो दोस्तों से और द्वारा। अधिकरण कारक का चिन्ह है क्या है, तो दोस्तों से अलग अर्थ में। फिर अगला प्रश्न सुलेख का क्या अर्थ है, तो सुलेख का अर्थ सुंदर और सुस्पष्ट लिखना। अनुलेख क्या है दोस्तों, तो देखिए अनुलेख का अर्थ है जैसा लिखा गया है ठीक वैसा ही लिखना। फिर अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहा श्रुत लेख का क्या अर्थ है, श्रुत का अर्थ है सुनना अर्थात सुनकर उसी बात को लिखना। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्रत्यय प्रधान रूप से 2 प्रकार के होते हैं आपका कृदन्य प्रत्यय और तदीप्ति प्रत्यय। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है, तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या दोस्तों आपकी 22 मानी गई है। अब अगला प्रश्न उपसर्ग क्या होते हैं, ऐसे शब्दांत जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे दोस्तों प्र प्लस हार प्रहार। फिर अगला प्रश्न वाच्य क्या है, किसी बात को कहने के ढंग को दोस्तों वाच्य कहते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं, तो दोस्तों संस्कृत में वाच्य के आपके 3 भेद होते हैं कर्तवाच्य कर्म और भाववाच्य। अगला प्रश्न रहा आपका वी उपसर्ग लगाकर 5 शब्द आपको बनाने हैं, तो दोस्तों हो जाएगा जैसे विहार विजय विवाद विराम विदेश। अनु उपसर्ग लगाकर दोस्तों कोई 3 शब्द आपको बनाने हैं, जैसे अनुरोध हो गया अनुगमन हो गया अनुग्रह हो गया, तो ये आप लोग अपने मन से बना सकते हैं कुछ भी। फिर बात आती है प्र उपसर्ग के प्रयोग से कोई 4 शब्द बनाइए, तो दोस्तों जैसे प्रहार प्रगति प्रतीक प्रचार ठीक है। तब्यत तब्य प्रत्यय से कोई 2 शब्द बनाने दोस्तों, जैसे पट प्लस तब्यत पठितव्यम कर प्लस तब्यत होगा कर्तव्य। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता हमारा कत त प्रत्यय के प्रयोग से कोई 4 शब्द बनाइए, तो दोस्तों हस प्लस भक्त हो जाएगा हसितम, द प्लस कत मतलब हो जाएगा दत्तम, भू प्लस कत भूतम, ग्रह प्लस कत ग्रहितम। फिर अगला प्रश्न रहा 26 ठीक है ना, 26 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे, तो दोस्तों हो जाएगा षड विंशति। 46 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे, तो दोस्तों हो जाएगा षट चतवारी शतम। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा 16 से लेकर 19 तक की संख्याओं को संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे, तो दोस्तों देखिए 16 को षोडशा 17 को सप्तदशा 18 को अष्टादशा 19 को एकोनविंशति दोस्तों या 9-10 ठीक है ना। तो एकोनविंशति इसी को आप याद रखेंगे, 19 को ज्यादा सही रहेगा, 19 को क्या बोलते हैं एकोनविंशति, ये अधिकतर आपके पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या रहा प्रत्यय को परिभाषित करना है आपको, ऐसे शब्द जो धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं।
संस्कृत शिक्षण में उपयुक्त उपकरणों का नाम उल्लेख करना है आपको दोस्तों, जैसे श्याम पट हो गया, चार्ट हो गया, हरित पट हो गया, मानचित्र हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है, जैसे रामा नगरम गमिष्यति मतलब राम नगर जाएगा, युवा पुष्पम ग्रास्यस्य तुम दोनों पुष्प सूंघोगे। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, पितृ शब्द रूप पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखना है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखिए डीएलएड 2016 में भी आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा पितु पिताभ्यम पितृभ्य। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, जला जस्यन्ति किस संधि का सूत्र है, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो दोस्तों देखिए जोरस संधि ठीक है ना, यदि वर्ग का प्रथम द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ य र ल व में से कोई वर्ण हो तो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाते हैं दोस्तों, जैसे दिक् प्लस अम्बरा दिगंबरा हो जाएगा, जगर प्लस ईश जगदीश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अस धातु लंग लकार का रूप उत्तन पुरुष के तीनों वचनों में आपको लिखना है, तो हो जाएगा आपका आसम आस्व आसम ठीक है दोस्तों, ये डीएलएड 2016 में आ चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या रहा, अभी उपसर्ग लगाकर कोई चार शब्द आपको बनाने, तो जैसे अभिमाना हो जाएगा, अमिता हो जाएगा, अभिज्ञानम अभिमुखम। फिर अगला प्रश्न रहा आपका पश्यन शब्द में धातु एवं प्रत्यय आपको लिखना है, तो पश्य धातु सत प्रत्यय। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, रामायण गाम ददाति में कौन सा कारक है आपको ये बताना है, तो दोस्तों रामायण गाम ददाति में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग किया गया है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, गुरु शब्द में के सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों के रूप में आपको लिखना है, तो दोस्तों गुरु के रूप देखते हैं, विभक्ति और एक वचन सप्तमी में दोस्तों गुरु हो जाएगा, द्विवचन में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बहुवचन में गुरुओ गुरुसु। फिर दोस्तों अगला प्रश्न, नायिका का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम भी आपको लिखना है, तो दोस्तों नौ प्लस अकर नायिका ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न क्या रहा, गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर आपको शब्द बनाना है ठीक है, प्रत्यय धातु दोस्तों क्या है गम, प्रत्यय दोस्तों क्या है कत्वा, तो हो जाएगा दोस्तों आपका गत्वा। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों आपको ये बताना है, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड निम्न है, छोटा ई उ री और र ठीक है ना, र। फिर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, गम धातु में कोई दो उपसर्ग लगाकर आपको शब्द बनाने हैं, तो दोस्तों गम धातु में उपसर्ग लगाकर बनाए हुए शब्द क्या है, तो गम दोस्तों और उपसर्ग आपका क्या रहेगा अनु, तो अनुगमन हो जाएगा, गम में दोस्तों प्रति लगा देंगे तो प्रतिगम। फिर अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वरों की दोस्तों संख्या आपकी आठ होती है, जो निम्नलिखित है बड़ा बड़ी उ री ए ओ औ। फिर अनुस्वार तथा अनुनासिक का एक एक उदाहरण आपको दोस्तों लिखना है, तो अनुस्वार का उदाहरण दोस्तों जगह धर्मम प्लस चर धर्मचर, अनुनासिक का उदाहरण दोस्तों दिक् प्लस नाथ दिगन्नाथ। फिर दोस्तों वार्डग्यम मयम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम भी आपको लिखना है, तो दोस्तों वाक्य प्लस मयम क्या हो जाएगा वार्डग्यमेन ठीक है दोस्तों, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, इसको ध्यान में आपको रखना है वाक प्लस मयम। अगला प्रश्न क्या रहा आपका, परोपकार शब्द का समास विग्रह कीजिए तथा समास का आपको नाम लिखना है दोस्तों, तो परोपकार शब्द में तत्पुरुष समास होगा, पर प्लस उपकार परोपकार ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, मात्र शब्द की षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप में आपको लिखना है, तो मात्र शब्द के षष्ठी विभक्ति में ठीक है दोस्तों, मातु हो जाएगा, मात्रो हो जाएगा और मातृडाम। फिर दोस्तों शुरू सुन्ना धातु लट लकार प्रथम पुरुष के सभी वचनों के रूप में आपको लिखना है, तो दोस्तों शुरू में धातु के रूप में लट लकार में क्या हो जाएगा प्रथम पुरुष में दोस्तों श्रेडति श्रेडता और श्रवंती ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन, प्रारंभ मुत मजना न परिव्यंजन्ति श्लोकांश का अर्थ आपको लिखना है, तो दोस्तों देखिए प्रारंभ कर्म घटना अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां शरीर के रहने तक रहती है परंतु ज्ञानी पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न क्या रहा, युष्मत शब्द के प्रथम विभक्ति के तीनों वचन का रूप आपको लिखना है, तो युष्मत शब्द के रूप तो विभक्ति दोस्तों आपका प्रथमा है तो हम हो जाएगा युवाम हो जाएगा युवम हो जाएगा। फिर दोस्तों बलिम याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र आपको लिखना है, तो दोस्तों देखिए धरती पर बल ही पूजनीय है, जिस प्रकार चींटी अपने बल के द्वारा कार्य करती है तो यह कार्य कर्म संज्ञा विधायक सूत्र में आता है। फिर दोस्तों सूत्र क्या हो जाएगा, इस पृथ्वी पर कर्म है प्रधान पूज्य है ठीक दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे श्याम बुद्धिमान लड़का है वाक्य का संस्कृत में अनुवाद आपको करना है, तो दोस्तों आंसर क्या होगा, श्यामा बुद्धिमान बालका अस्ति। फिर पितरो शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखना है, तो दोस्तों देखिए समास विच्छेद ठीक है ना, माता व पिता चौदह से ये हो जाएगा पितरों दोस्तों, और यहाँ पर क्या है एक शेष द्वंद्व समास है। फिर अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं ये लिखना है, तो अक प्रत्याहार में दोस्तों छोटा ई उ री ल पांच वर्ड आते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या रहा आपका, अस्पष्ट शब्द के प्रथम विभक्ति के तीनों वचनों के रूप में आपको लिखना है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका अहम आवाम वयम। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं ये आपको लिखना है, तो अच में दोस्तों छोटा छोटी उ ठीक है ना, ली
ल ए ए ओ ओ। फिर अगला प्रश्न, वृत्तम यत्नेन संरक्षति श्लोक का अर्थ लिखना है। तो दोस्तों चरित्र की रचना में जो हमारे चरित्र की रक्षा है उसे हमें यत्न पूर्वक करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपने जरूर पढ़ा होगा दोस्तों, वृत्तम यत्नेन संरक्षति, ठीक है ना। चरित्र की रक्षा आपको यत्न पूर्वक करनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, नाचिका के द्वारा किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, इसको बताना है। तो अंग इय ण म वर्णों का उच्चारण दोस्तों नाचिका के द्वारा किया जाता है। फिर भगवान वासुदेव को नमस्कार है, वाक्य का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है, तो भगवत वासुदेव नमः। फिर अगला प्रश्न, प्र उपसर्ग लगाकर कोई दो शब्द आपको बनाना है। तो दोस्तों प्रसारा हो जाएगा, प्रमाणम हो जाएगा, प्रहारा हो जाएगा, प्रकारा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को समापन होता है। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो को आपको देखने के बाद तुरंत आपको पार्ट वन हमारी इस वीडियो सीरीज की देखनी है, जिससे कि आप लोग पेपर में और अच्छा स्कोर कर सके। पार्ट वन और पार्ट थ्री, जी हाँ दोस्तों, जब ये तीनों पार्ट आप देख लेंगे तो पेपर में आप डेफिनेटली 25 में से 25 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। तो एक वीडियो से दोस्तों काम नहीं चलेगा, तो हमने आपको तीन अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो तुरंत दोस्तों इस वीडियो का समापन के बाद तुरंत आप पार्ट वन या पार्ट थ्री देखिए, जिसके बाद पेपर के लिए आप पूरी तरीके से तैयार होंगे। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड। हाँ, चैनल पर है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।